दोस्तों इस वीडियो में लेके आया हूँ जामिया हमदर्द की एडमिशन की अपडेट। जामिया हमदर्द देश की फार्मेसी में नंबर वन इंस्टीट्यूट है, मेडिकल के लिए, फार्मेसी के लिए बहुत ही नंबर वन इंस्टीट्यूट है। तो दोस्तों जामिया हमदर्द में MBBS कोर्स भी है, मास्टर कोर्सेज भी है, ग्रेजुएट कोर्सेज भी है, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी, मतलब बहुत ही यूनिक टाइप के कोर्स है जामिया हमदर्द में। तो जामिया हमदर्द में दाखिला कब होगा, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, पूरी कंप्लीट जानकारी एक छोटी सी वीडियो में। तो दोस्तों पसंद तो आएगी ही, तो लाइक कर दीजिए ना, और चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगर वीडियो पसंद आएगा तब लाइक कीजिएगा, नहीं आएगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, चलिए आपके ऊपर, आपकी आजादी है। अब मैं आपको अपडेट बताता हूँ। तो एडमिशन के लिए आपको एडमिशन सेक्शन पे यहाँ पे जाना होता है, ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करना होता है। चलिए आपको बताते हैं CUET UG के जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, उसमें जामिया हमदर्द भी शामिल है। और इसमें कुछ कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ, जैसे फार्मेसी के कोर्स है, मेडिसिन के कोर्स है, नर्सिंग के कोर्स है, केमिकल के कोर्सेज है, और लाइफ साइंसेज के कोर्स है, इंजीनियरिंग भी है, IT भी है, और मैनेजमेंट भी है। तो मेडिकल में देखिए, मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, केमिकल, लाइफ साइंसेज में, यानी मेडिकल के लिए इसमें स्पेशलिटी है। और अपने देश में मेडिकल में जानते हैं कि जनसंख्या जहां ज़्यादा रहेगा वहां मेडिकल फील्ड में ज़्यादा तरक्की होगी। तो मेडिकल फील्ड में आपको पता ही है कि हॉस्पिटल में कितने अच्छी करियर है और लोग इलाज कराने जाते हैं तो कितने पैसे लगते हैं, वो पैसे अल्टीमेटली डॉक्टर्स के जो स्टाफ से हॉस्पिटल्स उसी को जाते हैं। तो अच्छा करियर है हेल्थ में, यानी अगर इंसान जिंदा है तो मेडिकल की ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। तो जितने लोग ज्यादा होंगे जिस देश में, उसमें मेडिकल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जामिया हमदर्द में मेडिकल का फील्ड अच्छा है। चलिए, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली विल कमेंस इट्स एडमिशन फ्रॉम May 21 टू May 31, यानी मई जो 21 आ रहे वाली है उससे लेके मई 31 तक आपका एडमिशन होगा। एडमिशन जो होगा 12 कोर्सेज का, वो CUET के एडमिशन से होगा, वो आपको आगे बताने वाला। और इनके पास जो स्पेशलाइजेशन है डिपार्टमेंट का, आपको पहले बता दिया हूँ, फिर भी 13 सब डिपार्टमेंट्स है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, बिजनेस स्टडीज़ है, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस है, स्कूल ऑफ लॉ, 38 अदर डिपार्टमेंट्स लाइक डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और मैनेजमेंट एंड मेनी मोर। अब आपका ड्यूरेशन प्रोग्राम हर कोर्स का अलग अलग है। अब जान लेते हैं जो 10-12 कोर्सेज हैं कौन कौन से हैं जिसमें CUET के द्वारा एडमिशन होते हैं। BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, BSc ऑनर्स बोटनी, केमिस्ट्री, क्लिनिकल रिसर्च, टॉक्सिकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इस्लामिक स्टडीज, BA पॉलिटिकल गवर्नेंस, BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BCOM और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस 12 कोर्सेज में CUET के टेस्ट द्वारा एडमिशन होगा, बाकी खुद से इनका अपना टेस्ट होता है। आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है डिपेंडिंग ऑन आपके पेरेंट्स का इनकम क्या है। अगर 4.5 लाख पर एनम से कम है तो उसका ट्यूशन फी में कंसेशन भी मिलता है। बहुत सारे स्कॉलरशिप भी मिलते हैं माइनॉरिटी के लिए भी, ऑनलाइन माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है, OBC SC ST का भी स्कॉलरशिप है। तो बहुत सारे आपको स्टूडेंट एड मिलते हैं, स्टूडेंट हेल्प मिलते हैं, जिससे आपको पढ़ाई करने में आसानी होती है। कम पैसे वालों को भी पढ़ाई यहाँ पे हो सकता है। जामिया हमदर्द में 6 हॉस्टल है, सेपरेट बॉयज़ के लिए हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए भी सेपरेट है, इंटरनेशनल और NRI स्टूडेंट्स के लिए भी डिफरेंट हॉस्टल्स है। सिंगल सीटर AC रूम है, डबल सीटर भी AC रूम है, डबल और ट्रिपल सीटर नॉन AC भी रूम से, और डॉर्मेटरीज है जिसमें एक हॉल में 3-4-5 बच्चे रह सकते हैं। जामिया हमदर्द का जो रैंकिंग है आप देख सकते हैं, ओवरऑल कैटेगरी में 74th है और यूनिवर्सिटी में 45th है और फार्मेसी में नंबर 1 है। हिस्ट्री में देखेंगे तो 1906 की ये एस्टेब्लिशमेंट है। शुरू में यूनानी क्लिनिक खुली थी, बाद में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने इसको इनॉग्रेट किया था 1989 को 1 अगस्त को। ऑन May 10, 1989 जामिया हमदर्द वाज गिवन द स्टेट ऑफ डीम टू बी यूनिवर्सिटी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो आजकल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो 1989 में ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी बन गई थी। तो जामिया हमदर्द की आपको जो एडमिशन है वो 21 मई से शुरुआत होने वाली है, इसकी खबर आपको मिल गई है। और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो प्रोस्पेक्टस आने वाले वीडियोज़ में मैं डाल दूंगा, या अभी भी 2022 का प्रोस्पेक्टस आप यहाँ पे जाकर ऑनलाइन एडमिशन में जाएंगे तो 2022 के प्रोस्पेक्टस से आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। और 2023 के अभी कुछ दिनों में अपडेट होने वाले हैं, कुछ नंबर भी दिए गए हैं, इस पे नंबर पे कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जामिया हमदर्द के बारे में ओवरव्यू दिया होगा, और आप कमर कस लीजिए, कुर्सी के पेटी बांध लीजिए, और एडमिशन होने ही वाला है। मिलते हैं ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया हमदर्द।